आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि मंडे को मॉर्निंग मंडे बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। मेरा एक्सपेक्टेशन एंड व्यू है कि मंडे को मार्केट डाउन साइड जा सकता है, बट 100% नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक अपना सपोर्ट लेके रखा है। कि मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, बैंक निफ्टी अपने डेली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे यहाँ पे दो कैंडल बनी है, ये एक सपोर्ट है और मेरा ये टारगेट है डाउन साइड का। फर्स्ट टारगेट 43,907 और सेकंड टारगेट 43,384। सेकंड टारगेट अगर यहाँ से कल मंडे को बैंक निफ्टी अगर अपने डाउन साइड की ओर जाता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो मैं इतनी जल्दी कुछ इसमें ध्यान नहीं दूंगा मूव का, क्योंकि मुझे प्रॉपर प्राइज एक्शन मिलेगा तभी मैं अपसाइड के लिए जाऊंगा या फिर मैं अपसाइड के लिए नहीं जाऊंगा। अगर बैंक निफ्टी इसको नहीं तोड़ता है इस लेवल को और इस लेवल को भी नहीं तोड़ता तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट वॉलिडिटी रहेगा, साइडवे रहेगा, उस दिन में कोई कामकाज नहीं करूंगा। ये डेली टाइम फ्रेम की बात है। और अभी आ जाते हैं इंटर डे टाइम फ्रेम में। वन आवर में भी आप देखेंगे, वन आवर में भी मार्केट ने यहीं से एक पुल बैक लिया था, करेक्शन दे के पुल बैक वापस इसी सपोर्ट के पास वो आ चुका है। वो सपोर्ट ब्रेक नहीं किया। कल मंडे मॉर्निंग में ये अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा प्राइज एक्शन के साथ नीचे जाने के लिए, और ऊपर भी जाएगा तो प्राइज एक्शन का वेट करूंगा। कुछ डब्लू पैटर्न एम पैटर्न दोनों के ऊपर रहूंगा। मैं जल्दी से कोई ट्रेड नहीं लूँगा जब तक मुझे एकदम प्राइज एक्शन प्रॉपर नहीं मिलेगा तब तक। एक टाइम फ्रेम है अवर्ली टाइम फ्रेम, आप जैसे देख पा रहे हैं एक यहाँ से ट्रेड लाइन बनी हुई है जो मार्केट को अपने को उसने अब ट्रेंड में रखा हुआ है। मार्केट देख रहे हैं आप नीचे से पूरा अब ट्रेंड में उसने रखा हुआ है। अभी तक इसने अपने एक भी लो को ब्रेक नहीं किया है। अगर इस लो को तो कल मॉर्निंग मंडे सेशन में मार्केट डाउन साइड का व्यू रहेगा। अगर इस लो को ब्रेक करता है कल मार्केट तो इस मेरा फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड है। अभी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। फाइव मिनट में तो आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट क्या कह रहा है, पूरा झिकझक मार्केट है, उठा उठा के पटक रहा है, कभी ऊपर नीचे कभी नीचे, बायर और सेलर दोनों दबा के बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट बीच में ही है, जब तक इस लेवल को और या इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरी कोई एंट्री मार्केट में नहीं रहेगी। और इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट मेरा ये रहेगा। बाकी मार्केट में तो 100% कुछ नहीं है, मार्केट में बहुत वॉलिडिटी है, तो मैं तो कहूँगा कि आप केयरफुल रहिए। मार्केट कुछ दिन में इस लेवल को डाउन साइड या अपसाइड कहीं से भी ब्रेक करता तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मूव देने वाला है। जिन लोगों ने भी अभी तक मार्केट में पैसा लॉस किया है, मेरा कहने का मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने भी मार्केट में पैसा लॉस किया इस लेवल में, उनका कहीं ना कहीं अगर ये अप ट्रेंड और
कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, अगर ये मार्केट यहाँ या फिर यहाँ ब्रेक करता तो एक लंबी अच्छी खासी रैली मिलने को देखने को मिल सकती है। जिन लोगों ने भी अगर इसमें लॉस किया हुआ है वो कुछ दिन वेट करें, अगर ट्रेड करते हैं छोटे लॉस के साथ करें और प्रॉफिट बढ़ा लें, और लंबा अभी तो बिल्कुल ना सोचे कि बड़ी स्कैल्प बड़ा ट्रेड लेना, स्कैल्प मोड में ही अपने के लिए आप स्कैल्पिंग करें छोटा छोटा क्वांटिटी के साथ, और कुछ छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट के साथ एग्जिट करें। मेरा व्यू तो यही है कि जब तक मार्केट 43,920 नीचे नहीं ब्रेक करता है तो अच्छा डाउन फॉल देखने को नहीं मिलेगा, या फिर मार्केट में वॉलीडिटी साइडवे ही रहेगी। तो मेरा प्रडिक्शन ये है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं मंडे सेशन।